इसराइल में एक साथ कई जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई है। एक जगह आग तो इजरायली सैन्य अड्डे के पास लगी है। तेज हवाओं के कारण यह आग और भड़क गई और इससे सैन्य अड्डे के साथ ही एक अस्पताल के लिए भी खतरा पैदा हो गया। अलग अलग रिपोर्ट्स के हवाले से बताया गया है कि फायर ब्रिगेड दल कई घंटों की मशक्कत के बाद आग को काबू में कर पाए। वहां मौजूद लोगों की माने तो आग ने इजरायली सैन्य अड्डे के पास बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया था। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने कहा कि संदेह है कि आग जानबूझकर लगाई गई थी। अधिकारियों को संदेह है कि आग फिलिस्तीनी इलाके से फेंके गए मोलोटोव कॉकटेल से लगी थी। आपको बता दें कि मोलोटोव कॉकटेल एक कच्चा बम होता है जिसमें आमतौर पर ज्वलनशील तरल से भरी एक बोतल और एक बाती होती है जिसे फेंकने से पहले जलाया जाता है। पुलिस ने इसकी जांच शुरू कर दी है और क्षेत्र में संदिग्धों की तलाश और घटना की जांच कर रही है। इजरायली अधिकारी जेरूसलम के माउंट स्कोपस में लगी आग की घटना को आगजनी मान रहे हैं। इजराइल के फायर एंड रेस्क्यू सर्विस ने कहा कि आग मोलोटोव कॉकटेल फेंके जाने के कारण लगी है और हवाओं के कारण बहुत तेजी से फैल गई। इससे पास की एक यूनिवर्सिटी भी खतरे में आ गई। फायर सर्विस ने संदेह जताया कि ये आगजनी हो सकती है क्योंकि एक ही समय में कई जगहों पर आग लगी थी। 7 अक्टूबर से शुरू हुए इसराइल गाजा युद्ध के बाद से पूर्वी यरूशलम के साथ साथ कब्जे वाले पश्चिमी तट पर काफ़ी ज़्यादा तनाव है। फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार के लिए इसराइल के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में वर्तमान में मुकदमा भी चल रहा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 37,718 फिलिस्तीनी मारे गए हैं और 86,000 से अधिक घायल हुए हैं। इसके अलावा कम से कम 11,000 लोग लापता हैं। लापता हुए लोगों के बारे में माना जा रहा है कि वे हमलों में अपने घरों के मलबे के नीचे दबे हुए हैं। इजरायली युद्ध के कारण उत्तरी गाजा में भयंकर अकाल पड़ा है जिसके कारण कई फिलिस्तीनी मारे गए हैं जिनमें अधिकतर बच्चे हैं। इजरायली हमलों के चलते गाजा पट्टी के सभी हिस्सों से लगभग 20 लाख लोगों को जबरन विस्थापित होना पड़ा है। इनमें से अधिकांश लोगों को मिस्र की सीमा के पास घनी आबादी वाले दक्षिणी शहर राफा में जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। आपको बता दें कि अमेरिका काफी समय से इजराइल और गाजा युद्ध को रोकने का प्रयास कर रहा है लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस हल नहीं निकल पाया है और युद्ध जारी है।